अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। और आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। और ये टाइम हो रहा है सुबह 9 बजे का, और इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है इस टाइम भी कि बस। और आज आजकल तो आप लोगों को पता ही है कितनी ज़्यादा तेज़ गर्मी हो रही है। अल्लाह मियाँ, जल्दी से गर्मी को कम कर दीजिए। और इसके बाद मैं यहाँ बाहर देख रही थी, और फिर मैंने इसका ब्रेकफास्ट तैयार किया, और आज मैं इसको खिला रही थी सागुदाना। ये मैंने बनाई थी इसकी सागुदाने की खीर, और सागुदाने को मैंने रात में ही सोख कर लिया था, और सुबह फिर मैंने इसको पहले पानी में बॉईल किया, और इसके बाद थोड़ा सा गुड़ इसमें अंदर ऐड किया, और जब वो डिज़ोल्व हो गया था दूध इसके अंदर ऐड किया। और ये बड़े शौक से खाता है, इसको अच्छा लगता है सागुदाना माशाल्लाह से। बच्चों को अच्छी तरह से मसाज वगैरह दो ना, तो बच्चे आराम से सुकून से सो जाते हैं। तो ये सो गया था, और इसके बाद फिर मैंने घर वगैरह समेटा, सफाई वगैरह करके फिर मैंने इसको दही खिलाया था जब ये उठा था सो गया। तो ये होममेड योगर्ट था, पता नहीं लेकिन इसको पसंद नहीं आया और इसने नहीं खाया था। तो फिर इसके बाद में मैंने कहा इसने योगर्ट भी कुछ भी नहीं खाया हुआ, इसने ब्रेकफास्ट ही किया हुआ। तो जल्दी से फिर मैंने इसकी लंच की तैयारी शुरू कर दी थी, और लंच में मैं आज इसकी बना रही थी दाल चावल, मूँग की दाल और राइस। इसमें इसको बना रही थी कुकर में ताकि जल्दी से बन जाए ये, क्योंकि इसको भूख भी लग रही थी। तो मैंने कुकर में लिया 1 टेबल स्पून ऑयल डाला, इसके अंदर डाला गार्लिक, वो हल्का सा जब फ्राई हो गया तो इसके अंदर ऐड कर दिया मैंने साबुत ज़ीरा, और हल्का सा जब वो सौते हो गया तो उसके अंदर फिर मैंने दाल चावल दोनों ऐड किए, और फिर थोड़ी सी हल्दी और चिकन पाउडर इसमें ऐड किया। इसको चिकन पाउडर का फ्लेवर अच्छा लगता है, अगर आपके बच्चे को अच्छा लगता है तो ऐड करें, वरना अदरवाइज़ आप इसके अंदर एक पिंच ऑफ सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। 15 मिनट मैंने इसको प्रेशर कुकर में रखा था, और उसके बाद ये तैयार हो गई थी। और फिर मैंने देखा तो थोड़ी सी हल्की सी दाल जो है साबुत थी, तो ये फिर नखरे करता है खाने में, तो फिर मैंने क्या करा इसको ग्राइंड कर लिया। के डिनर के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, और मैं आज बना रही थी आलू चिकन, और इसके लिए मैंने आलू जो है वो काट के रख लिए थे, और साथ चिकन धो के रख ली थी। टमाटर की मैंने बना ली थी प्यूरी, वैसे तो मैं फ्रीज भी कर लेती हूँ लेकिन अभी नहीं हुई हुई थी, ख़त्म हुई हुई थी, तो फिर मैंने फटाफट से टमाटर पीसे, और इसके बाद फिर मैंने जो है फटाफट से सालन चढ़ा दिया था। फिर बस फटाफट से ऑयल डाला था, इसमें प्याज फ्राई की, फिर चिकन ऐड की, चिकन ऐड करने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया, और उसके बाद तमाम जितने भी बेसिक मसाले होते हैं वो ऐड किया, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और सॉल्ट, और ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद फिर मैंने इसको चढ़ा दिया था। तो बहुत ही अच्छा बना था खाना। और